समारोह का आयोजन होना है, पार्टी का फैसला है। इस जयंती समारोह की तैयारी पहले से चल रही है। पार्टी के अधिकांश साथी क्योंकि विधान परिषद के चुनाव में लगे हुए थे, कल ही चुनाव संपन्न हुआ है, उसके पहले महात्मा फुले समता परिषद की ओर से तैयारी बिहार भर में शुरू की गई और हर जिला में तैयारी के लिए बैठक भी हुई है। प्रभारी लोग वहां जाकर लोगों के बीच बैठक भी सब लोगों ने की है और उन बैठकों के माध्यम से तैयारी चल रही है। अब कल संपन्न हो गया काउंसिल का चुनाव, तो पार्टी के साथी भी अब इस कार्यक्रम की सफलता में उतरेंगे। तो यह जो कार्यक्रम है समता परिषद का नाम पीएम पार्टी के साथ इसलिए ले रहे हैं, ऐसे आयोजक तो जनता दल यूनाइटेड ही है इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन सम्राट अशोक पर कुछ विशेष परिस्थिति अभी 4-6 महीना पहले से बनी, जिस पर एक प्रतिक्रिया देश भर में हुई और एक सोच समझ कर पार्टी ने ही तय किया था। समता परिषद एक सहयोगी संगठन के रूप में है जनता दल यूनाइटेड में, उसको विशेष जवाबदेही थी। जो इतिहास सम्राट अशोक का है उसको धूमिल करने का प्रयास जब हुआ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले प्रतिक्रिया उस कोशिश के खिलाफ दी और फिर समता परिषद ने उस वक्त पार्टी से सलाह परामर्श के उपरांत यह निर्णय लिया कि हम इस पर कार्यक्रम भी चलाएंगे। जो कुछ भी उस पर कोशिश हो रही थी सम्राट अशोक की गरिमा को गिराने की, उस कोशिश को नाकाम करने के लिए समता परिषद कार्यक्रम में समता परिषद की ओर से हुआ प्रतिकार उसका हुआ और उसी क्रम में कई कार्यक्रम हुए और उसी को थोड़ा विस्तार देते हुए अभी भी जो समारोह होगा स्वाभाविक रूप से उस समय जो लोगों ने कहा था प्रतिकार के रूप में, क्योंकि कोई भी कोशिश जो हिंदुस्तान की गरिमा के प्रतीक हमारे इतिहास के गौरव सबसे अधिक गौरव वाला जो क्षण था उसके प्रतीक उनका नाम लेने से अभी भी हम लोगों का सीना चौड़ा होता है, समस्त हिंदुस्तान वासियों का और बिहार के लोगों का, तो विशेष रूप से बिहार की अस्मिता से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए उस कोशिश को जो कोशिश से के इतिहास को धूमिल करने के लिए शुरू हुई उस कोशिश का प्रतिकार करने के लिए हम सब लोग पहले से भी हैं और आज भी हम उस तरह की कोई कोशिश करी दिखती है तो उसको हम लोग अपनी बर्दाश्त करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। कोई भी हिंदुस्तान में एक आदमी या बिहार का आदमी उसको नहीं करना चाहिए। तो इस रूप में इस अभियान पहले से चला रहे हैं और जो जयंती का समारोह होगा इस समारोह में भी हम बहुत जोर शोर से इसको करेंगे इस कार्यक्रम को, ताकि कहीं कोई जो इस वक्त भी आप सब लोगों ने देखा ये कथित साहित्यकार ने टिप्पणी की, जो टिप्पणी बाद में जब सब लोगों ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके खिलाफ ट्वीट किया, कोशिश शुरू हुई वो फिर बाद में